नमस्कार दोस्तों, कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस में फॉन्ट को चेंज करना सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट फ़ोन से बोर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि अपने फ़ोन के लुक को थोड़ा चेंज कर लिया जाए, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि किस तरीके से MI में फ़ोन को चेंज किया जाता है, तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, अपने एंड्रॉयड मोबाइल में स्पेशली Xiaomi डिवाइस में फॉन्ट को चेंज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग्स में। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन पर्सनलाइजेशन सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर वॉलपेपर के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, जिससे आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली यहां पर नीचे दिख रहे फॉन्ट्स के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने काफी सारे फॉन्ट्स दिखाई देंगे जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइस करे हुए हैं। आपके सामने यहां पर लव के नाम से कुछ एक कैटेगरी दी हुई है, फन विद फॉन्ट्स के नाम से दी हुई है। अब अगर आपको जैसे लव फॉन्ट्स में मान लीजिए कि किसी टाइप का एक फॉन्ट अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मोर के बटन पर क्लिक कर देना है, ताकि इस कैटेगरी के अंदर जो कुछ भी फॉन्ट्स है जो कि लव फॉन्ट्स के अंदर है, आपके सामने यहाँ पर सभी दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आप किस फॉन्ट को सेट करना चाहते हैं। सपोज कर लीजिए कि मुझे जो ये वाला फॉन्ट अप्लाई करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों के सामने इस थीम का जो है वो प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर आप इस फॉन्ट को अप्लाई करते हैं तो आपका फ़ोन किस तरीके से दिखाई देगा, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर इस फॉन्ट की साइज़ और इसकी रेटिंग भी दिखाई देगी। अब आपको अगर इस फॉन्ट को डाउनलोड करके सेट करना है, तो आप जो सिंपली फ्री पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के फ़ोन में इस फॉन्ट की डाउनलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद आप देख पाएंगे कि आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई के नाम से बटन दिखाई देगा। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और आपको जो है दोस्तों वो रिबूट करना होगा। जैसे ही अगर आप रिबूट पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर रिबूट क्लिक करके आगे की प्रोसेस भी बता देता हूं कि इसके बाद में हमारा फोन किस तरीके से दिखाई देगा। दोस्तों, मेरे फोन का फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है, और फॉन्ट को चेंज करने के बाद में मेरे फोन का जो लुक है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको ये फॉन्ट पसंद नहीं आता है और वापिस से आप अपने डिफॉल्ट फॉन्ट यानी कि जो प्रीवियस फॉन्ट था उस पर जाना जा कर सकते हैं, और किस तरीके से आप वापिस से जा सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है वापिस से सेटिंग्स में जाना होगा। फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद में पर सेक्शन के अंदर चले जाना है, जिससे आप लोगों के सामने ये फिर से लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको जो सिंपली फॉन्ट्स सेक्शन में चले जाना है। फॉन्ट्स में जाने के बाद में अब आप यहां पर देख पाएंगे कि आपको माय फॉन्ट्स के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसके पीछे दिख रहे इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले नंबर पर आपको जो है रोबोटो के नाम से एक फॉन्ट दिखाई देगा, प्रीवियस फॉन्ट था और यही MI के फॉन्ट्स में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, तो आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके बाद जो है आपको वापस से अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से रिबूट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप लोगों का सिस्टम रिबूट हो जाएगा तो आप लोगों के मोबाइल पर ये वाला फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप लोग जो है बड़ी ही आसानी से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही इसी तरीके की टेक्निकल वीडियोज को जानने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सो ओके गाइज, दिस इज कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।